हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज का जो प्लान है 30 फीट बाई 45 फीट का है। 30 फीट इस प्लान का चौड़ाई है और 45 फीट इस प्लान का लंबाई है। 45 फीट लेंथ है, 30 फीट इसका विड्थ है। और ये जो प्लॉट है ये नॉर्थ फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। और ये जो प्लॉट है हमारे क्लाइंट मिस्टर नवनीत सिंह जी का है, जो कि कानपुर सिटी यूपी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है डबल हाइट का प्लान है, तो बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन किया हुआ प्लान है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आप अपना घर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं अगर आप आपका जो प्लॉट है इस साइज में है। तो चलिए समझते हैं आज का प्लान और देखते हैं आज के प्लान्स के डिटेल्स को। बहुत ही अच्छा इसका एलिवेशन है। आप जैसा कि आपने स्क्रीन होम स्क्रीन पर देखा है, तो ये उसी प्लान का मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अभी बात करते हैं घर के अंदर जाने के लिए जो एंट्रेंस मिलेगा वो घर एकदम बिल्कुल सेंटर से मिलेगा। यहाँ से हम घर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कुछ लाइंस जो दिख रही हैं ये स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ से हम ये रोड लेवल है, रोड मतलब 00 लेवल है। यहाँ मतलब रोड की बराबरी का लेवल है। इससे हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर 7 फीट की हाइट पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पे जो है ये पूरी जो पूरा जो ये जो फ्लोर है ये 7 फीट की हाइट पे है। और ये जो है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेवल है ये 6 इंच ऊपर है, रोड लेवल से 6 इंच ऊपर रहेगा। और यहाँ पे जो है ये पूरा 7 फीट की हाइट पे रहेगा, ये पूरा ये 7 फीट की हाइट पे है रोड से ऊँचाई पर, काफ़ी ऊँचाई पर बना हुआ ये जो प्लॉट है, ये जो प्लान है वो काफ़ी ऊँचाई पर बनाएंगे। और यहाँ पर हम कार पार्किंग दे रखे हैं, यहाँ पर डबल हाइट की कार पार्किंग है कि नीचे कार पार्किंग रहेगी और ऊपर हमारा यहाँ पे बैठक रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे शटर लग जाएगा, यहाँ पे हमारा शटर लग जाएगा, पूरा शटर जो है ऊपर उठ जाता है। और यहाँ पे हम इसी के नीचे से हम अपना कार पार्किंग में जाएंगे। कार पार्किंग का जो लेवल जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भी जो है इस रोड लेवल से 00 से 6 इंच ऊपर है, 6 इंच थोड़ा सा ये ऊपर रहेगा। और पूरा ये कार जो है हमारी इस यहाँ शटर जब उठेगा तो इसमें कार हमारी चली जाएगी। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कार पार्किंग के साइज़ की, तो यहाँ पे 17 फीट इसका लंबाई दिया गया है, 17 फीट कार पार्किंग के लिए, और 10 फीट चौड़ाई है। तो काफ़ी बड़ी से बड़ी कोई भी कार है वो आप बहुत आसानी से इसमें पार्क कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसके अंदर कार पार्किंग करके आदमी यहाँ से आगे अपना घर के अंदर चला जाएगा। तो अभी बात करते हैं इसमें बालकनी की। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करके रखा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो देख रहे हैं ये लाइंस जो है ब्लू कलर में नीले कलर में जो लाइंस हैं वो है बालकनी की लाइन। बालकनी की लाइन है, बालकनी का जो हाइट होगा, बालकनी मतलब हमारे छत का जो छत जो होगा फर्स्ट फ्लोर का, उसका छज्जा जो है ये बालकनी वो यहाँ पे 17 फीट 6 इंच की ऊँचाई पर है। मतलब इस रोड से 17 फीट की ऊँचाई पर है, क्योंकि 7 फीट तो यही है, 7 फीट की ऊँचाई पर हमारा ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। और ग्राउंड फ्लोर का जो छत आएगा वो 17 फीट की ऊंचाई पे है, 17 फीट 6 इंच की ऊंचाई पे आएगा यहाँ पे। तो ये पूरी हमारी बालकनी ऐसे में यहाँ से ये इस तरह से बालकनी यहाँ पर डिज़ाइन की गई है, ऐसे में बालकनी आ रही है। बहुत ही अच्छा इसका व्यू आने वाला, जैसा कि आपने एलिवेशन में देखा ही है। तो यहाँ पर जो है ग्रीनरी के लिए जगह दी गई है, ग्रीनरी जैसे कि आप यहाँ पर फ्लावर पॉट्स वगैरह लगा सकते हैं। 7 फीट 3 इंच लंबाई है, 5 फीट 1 इंच चौड़ाई है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हमारी इधर से ही हमारी ग्रीनरी में जाने का रास्ता होगा, ये यहाँ पे इसके यहाँ पे पूरी दीवार नहीं आएगी, यहाँ पे वो सीढ़ियों के नीचे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दीवार आएगी सीढ़ियों के नीचे, जो कि हमारे सीढ़ियों को सपोर्ट करेगी। और इधर अभी हम चलते हैं यहाँ पे कार पार्किंग से, कार पार्किंग तो हमने दिखा दिया आपको। यहाँ पे एक लोअर प्लेटफॉर्म दिया गया जो कि 7 फीट की ऊँचाई पर है। ये भी यहाँ पे जो 7 फीट का जो लेवल है इसी ऊंचाई पे हमारा एक और हमारा स्लैब आएगा, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर आएगा 7 फीट की ऊंचाई पे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना बैठक के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म आएगा यहाँ पे। और ये जो हमारा यहाँ पे एक ड्राइंग रूम मिल जाएगा, ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्राइंग रूम का जो साइज़ है 10 फीट इसका चौड़ाई है, 11 फीट 6 इंच इसका लंबाई है। और यहाँ पे भी पूरी दीवार आएगी, और दीवार में यहाँ पे बड़ा सा ग्लास विंडो आप लगा देंगे, यहाँ पे ग्लास का विंडो यहाँ पे अगर चाहें तो आप लगाएंगे बड़ा सा, जो कि 6 फीट चौड़ा में भी अपन अगर लगाते हैं
तो यहाँ पे पूरा एक बहुत ही अच्छा एलिवेशन आने वाला है। और इधर से ही ग्लास डोर या बड़ा सा ग्लास विंडो लगाएंगे, बड़ा ग्लास डोर लगाएंगे, तो इसको यहाँ पे ओपन करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे बालकनी में यहाँ पे बैठ सकते हैं, चेयर वगैरह डाल के यहाँ पे बैठ सकते हैं। जिसकी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 4 फीट इसका चौड़ाई है और इसका जो लंबाई है 10 फीट है। अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ से जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे घर के अंदर जाने का जो मेन एंट्रेंस दरवाज़ा है वो यहाँ से है, और यहाँ से हम सीधे एंटर करेंगे अपने गेस्ट रूम में। यहाँ पे 11 फीट 6 इंच इसका लंबाई दिया गया है, 12 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है, तो ये भी काफ़ी बड़ा कमरा मिल जाता है। और यहाँ पे जो है इसी ये भी पूरा ये जो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का स्लैब लेवल है वो यहाँ पे हमारा जो है 7 फीट की ऊंचाई पे, जिसको गांव में लिंटर बोलते हैं, हमारा जो फर्स्ट लिंटर आएगा वो 7 फीट की ऊंचाई पे आएगा। और इसी के नीचे यहाँ पे हमारी कार, यहाँ पे ये पूरा ये रोड लेवल से ये नीचे है जो कि 6 इंच ऊपर है, तो इसके नीचे 7 फीट के नीचे जो यहाँ पे जो 7 फीट से जो नीचे आएगी 6.5 फीट की जो ऊंचाई मिलेगी, इसी के नीचे हमारी कार पार्किंग यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था गेस्ट रूम से, तो गेस्ट रूम से अभी चलेंगे तो हम अपने इसमें अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 फीट बाई 5 फीट का टॉयलेट एंड बाथरूम मिल जाता है, जिससे हमारे गेस्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं तो इधर से भी हम अपने हॉल में जा सकते हैं, और ये से मेन डोर से भी हम अपने घर के अंदर एंटर करेंगे। यहाँ से हम अपने ड्राइंग रूम में जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे डोर मिल जाता है जो कि 3 फीट चौड़ा है। यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे अपने हॉल में, यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे हॉल मिलता है, डाइनिंग एंड हॉल है ये सबका। यहाँ पे जो लेवल है, लेवल मतलब हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब है, स्लैब मतलब हमारा जो फर्श है, उसकी जो ऊंचाई है वो 7 फीट की ऊंचाई पे है रोड लेवल से। यहाँ पे इसके लिए मैंने कई जगह पे लेवल मेंशन किए हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी के सामने से यहाँ पे किचन है, यहाँ पे 8 फीट बाई 8.5 फीट का यहाँ पे किचन दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे किचन मिल जाता है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज का किचन है। और यहाँ पे आप चाहें तो इसको एज ए मॉडलर बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको एज ए ओपन भी रख सकते हैं, अगर यहाँ पे ये दीवार नहीं डालते हैं, यहाँ पे डोर में हटा देते हैं, तो यहाँ पे ओपन किचन भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे भी बात करते हैं, इधर से इसी के सामने से जो है सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, 3 फीट चौड़ाई है सीढ़ियों की। तो यहाँ पे जो ट्रेड है इसमें 9 इंच का रखा गया है, जिस पर अपना पैर रखेंगे। इधर से आके हम घूम के यहाँ पे अपने फर्स्ट फ्लोर की छत पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी चलते हैं इससे आगे। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम दिया गया है, जो कि बाहर वालों के लिए, यहाँ पे हॉल के लिए या यहाँ पे बेडरूम है उन सब के लिए है। यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाता है। हॉल की जो लंबाई है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 13 फीट 8 इंच है, 9 फीट 2 इंच इसका चौड़ाई है। कॉमन टॉयलेट जो है 6 फीट 7 इंच से 6 फीट 10 इंच इसका लेंथ है। इधर से हम जाएंगे तो यहाँ पे एक ओटीएस दिया गया है, जो कि छत में खुला रहेगा। यहाँ पे छत में खुला रहेगा, लोहे की जाल से इसको कवर कर देंगे। और यहाँ पे ये सब दीवारें आ रही हैं, यहाँ पे सारी ये दीवार हैं, और यहाँ पे भी दीवार आएगी, और दीवार के अंदर यहाँ पे विंडो फिक्स होगा, जो कि 3 फीट चौड़ा यहाँ पे विंडो फिक्स होगा। और यहाँ पे जो है इसका ओटीएस का जो लंबाई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 फीट 10 इंच है, 3 फीट चौड़ाई है। तो यहाँ पे एक डोर दिया गया है, इस डोर को ओपन करके इस ओटीएस के नीचे से हम नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन रखेंगे, और यहाँ पे अब एज ए वॉश एरिया यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक जो फैन लग जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग के लिए काफ़ी नेचुरल लाइट यहाँ पे आएगी, जिससे हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने बेडरूम्स की। तो बेडरूम 2 में चलते हैं, यहाँ से सीधे अपने हॉल से जाएंगे बेडरूम 2 में। यहाँ पे जो इसका लंबाई मिल जाता है 12 फीट इसका चौड़ाई है, 14 फीट इसका लंबाई है, तो 12 बाई 14 का यहाँ पे बड़ा कमरा मिलता है, जिसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बेड और सोफे प्लेस किए गए हैं। विंडो के बारे में मैंने आपको बताया ही कि ओटीएस में जो रोशनी आएगी वो इस विंडो से हमारे इस कमरे के अंदर प्रॉपर उजाला रहेगा। और चलिए अभी आगे चलते हैं, इधर से आएंगे तो अपने देखते हैं अपने मास्टर बेडरूम को। यहाँ पे अभी चलेंगे मास्टर बेडरूम में, हॉल से जाने का रास्ता मिल जाएगा। 14 फीट 1 इंच लंबाई है, 12 फीट चौड़ाई है, तो ये भी काफ़ी बड़ा कमरा मिल जाता है। इससे अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम का ऑप्शन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे 5 फीट इसका लंबाई है, 5 फीट 3 इंच इसका चौड़ाई है टॉयलेट एंड बाथरूम का। तो इधर से हम खोल के इस डोर को इस टॉयलेट एंड बाथरूम में आ जाएंगे। यहाँ पे भी एक ओटीएस दिया गया है, जैसे कि मैंने ओटीएस के बारे में बताया कि छत में ये खुला रहेगा। तो यहाँ पे जो है 3 फीट इसका विड्थ है, 5 फीट 3 इंच इसका लंबाई है, और यहाँ पे इस डोर को ओपन करके हम इस जगह में आ सकते हैं। और यहाँ पे इसको भी एज ए वॉश एरिया
यूज किया जा सकता है, अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक विंडो मिल जाएगा जो कि जब ये खुला रहेगा छत में तो इसमें रोशनी आएगी, और लोहे की जाल से जब इसको कवर करेंगे तो रोशनी आएगी। और यहाँ पे विंडो ओपन करेंगे तो यहाँ पे विंडो का जो चौड़ाई है 3 फीट चौड़ा है ये विंडो W1, तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारे इस हॉल के अंदर बहुत ही अच्छा से उजाला रहेगा। और यहाँ पे भी विंडो मिल जाता है जो कि हमारे मास्टर बेडरूम के लिए ये प्रॉपर उजाले का एक सोर्स बनेगा। 3 फीट वाइड है ये विंडो। यहाँ पे विंडो की बात करें तो किचन के लिए जो विंडो मिलेगा वो यहाँ पे भी इस दीवार पे आएगा, यहाँ पे 3 फीट चौड़ा है ये, तो किचन के अंदर का जो स्मोक होगा, जो धुआं होगा, वो भी इस OTS से होते हुए निकलेगा। तो एक OTS देने के कितने सारे फायदे हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे टॉयलेट एंड बाथरूम का भी वेंटिलेशन जो है या पाइप्स वगैरह जो है वो इधर से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और छत की तरफ ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसमें वॉल साइजेस की। तो इसमें जो दीवारें हैं उसके पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और अगर आपको कोई प्लॉट है जिसका आपको नक्शा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। मेरा जो मेल आईडी है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉल के साइजेस जो है 9 इंचेस के हैं बाहर के, और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच की डिजाइन की।